जब कभी भारतीय विशेषकर हिंदी राष्ट्रीय काव्य की चर्चा होती है, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य राष्ट्रीय है और इस कारण उन्होंने जो कुछ भी साहित्य लिखा है उसमें तत्कालीन राष्ट्रीय भावना का पूरा पूरा वर्णन देखने को मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य राष्ट्रीय होने के साथ साथ उसमें जो जीवन मूल्य हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों को वहाँ पर अभिव्यक्त किया है, उसके कारण उनका काव्य भारत की सीमाओं को लांघकर विश्व की दहलीज पर पहुँच चुका है, क्योंकि उसके राष्ट्रीय काव्य में सार्वभौमिक तत्व है, सार्वकालिक तत्व है और सार्वजनीन तत्व है। इसके कारण उनका जो भी काव्य राष्ट्रीयता से संबद्ध है, न केवल भारतीय जन्मभूमि को और उसकी परिस्थितियों को प्रकट करता है, साथ ही किसी भी राष्ट्र में वह अपने पहचान बनाने में समर्थ हुआ है। यह एक अच्छी और इस क्षेत्र विशेष के लिए गौरव की बात है कि उनका जो काव्य है वह मालवा की मिठास को अपने में समेटे हुए है और निमाड़ के अक्षरपण को भी उसमें समाविष्ट कर चुका है। इसके कारण उनके काव्य में एक ओर माधुर्य भी मिलता है और दूसरी ओर ओजस्विता भी मिलती है। राष्ट्रीय काव्य के लिए ओजस्विता का होना बहुत आवश्यक माना गया है। इस दृष्टि से उनका जो काव्य है वह इन दो गुणों के कारण सीधा रसोद्रेक करता है और एक साधारण से साधारण पाठक भी अपने आप को कवि के निकट पाता है और उनकी भावनाओं को अपने अंतःकरण में उतारने में सफल हो जाता है। निमाड़ की माटी के सपूत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ग्राम बाबई में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार के सुसंस्कारित वातावरण में 4 अप्रैल 1890 को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री नंदलाल जी चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। आप बचपन में बहुत नटखट थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, कुश्ती और व्यायाम में आपकी बहुत रुचि थी, तैरना भी आप जानते थे, बच्चों से झगड़ा करते थे, उनसे पीटते थे और मौका आने पर उन्हें पीटते भी थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि आप बचपन से ही निडर और साहसी हो गए थे। यही कारण था कि जब वे युवा हुए तो अंग्रेज़ों से संघर्ष करने में भी उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगा। आपकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, आपके पिता अध्यापक थे, स्कूल में जाते जरूर थे, किंतु संस्कृत और हिंदी भाषा और पुराणों की जितना भी अध्ययन था सब आपने अपने घर में अपने पिता के देखरेख में किया। इसके कारण आप एक तत्कालीन समय में एक अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण बहुत ही ज्ञानी हुए और वैष्णव धर्म के प्रति जो एक आस्था का भाव है यही इनकी आध्यात्मिकता का भी भाव रहा, तो उनके साहित्य में, काव्य में, उनके गद्य रचनाओं में यह आध्यात्मिकता परिलक्षित होती है। राष्ट्र उनके लिए जो है वह पूजा के सदस्य है, राष्ट्र उनके लिए कृष्ण के सदस्य है। कृष्ण का जन्म बंदीगृह में हुआ था और बंदीगृह के शिक्षों को तोड़कर कृष्ण बाहर आए थे, इसी तरह से यह मानते हैं कि यह राष्ट्र भी बंदीगृह में है और यह शिक्षा छोड़कर बाहर आएगा। इस आध्यात्मिक स्वरूप को उन्होंने अपने काव्य में रखा। साहित्य में रचना करने की प्रेरणा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को भिन्न भिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई। प्रकृति का जो दृश्य उन्होंने अपने बचपन में विंध्याचल और सतपुड़ा में देखा और नर्मदा की कलकल ध्वनि को उन्होंने जो महसूस किया वह उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। इसी प्रकार से उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी रामतीर्थ
के साहित्य के निकट अध्ययन करने का सौभाग्य मिला और इसके कारण उनकी विचारधारा उनके दर्शन से प्रभावित हुई। पंडित माधवलाल सप्रे और गणेश शंकर विद्यार्थी का साहचर्य भी आपको मिला, उनसे भी आपने प्रेरणा प्राप्त की। इसी तरह से खड़ी बोली में लिखने की प्रेरणा आपको राष्ट्रीय कवि, हमारे देश के प्रतिष्ठित हिंदी कवि मैत्री शरण गुप्त से प्राप्त हुई। आप राजनीति में जब आए तो सबसे पहले आप तिलक से प्रभावित थे, बाद में महात्मा गांधी का प्रभाव भी आप पर पड़ा और इन दोनों के प्रभाव को इनकी राष्ट्रीय रचनाओं में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी युग प्रतिनिधि कवि थे और इस कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में संपूर्ण युग को जिया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी प्राणवंत रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आपने कविता भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी है और आप पत्रकार भी रहे हैं। आपके 11 कविता के संकलन निकल चुके हैं, उनमें प्रमुख है त्रिधारा, हिम क्रीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गुंजेधरा, बिजुरी, काजल आंज रही, आधुनिक कवि भाग 6 और हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा संपादित माखनलाल चतुर्वेदी। इसी तरह से आपने एक नाटक लिखा है जो कृष्णार्जुन युद्ध के नाम से बहुत लोकप्रिय हुआ है। इसके अतिरिक्त आपके जो 3 निबंध संकलन हमारे सामने उपलब्ध हैं वे हैं साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे और चिंतक की लाचारी। इसी तरह से समय के पाँव नामक एक संस्मरण भी हमें उपलब्ध होता है। आपने कला का अनुवाद नामक कहानी संग्रह भी प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त आप एक बहुत प्रभावी पत्रकार रहे हैं, मासिक प्रभा के आप संपादक थे। इसके साथ ही आपने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया है और जब गणेश शंकर विद्यार्थी को जेल में जाना पड़ा था तब आपने यह दायित्व संभाला था। इसी तरह से साप्ताहिक कर्मवीर बरसों तक खंडवा से निकलता रहा है, उसके भी आप संपादक थे। इस तरह से देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा और उस समय जबकि देश हमारा पराधीन था, स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। इसके लिए आप सत्याग्रहों में शामिल हुए, धरने दिए और जेल भी गए और इस दौरान आपकी लेखनी चलती रही। आपकी लोकप्रियता को देखकर इन्हें लोग एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारने लगे थे, यह विशेषण भी था, इनका उपनाम भी बन गया और माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने लगे। आज उनके साहित्य यात्रा पुरुष और माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली के रूप में उपलब्ध है। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रस्तोता भी कहा जाता है। इनकी सन 1912 और 13 के बीच में जो रचनाएं देखने को मिलती है उसमें छायावाद का प्रभाव और उसकी झाई स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। वैसे आजकल जब समीक्षक और साहित्यकार और इतिहासकार छायावाद की चर्चा करते हैं तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रणेता मानते हैं, किंतु जिस समय माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावाद की रचना की थी उस समय जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में छायावाद के गुण उपलब्ध नहीं हुए थे। समझा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं से प्रेरित होकर ही जयशंकर प्रसाद ने बाद में छायावाद का प्रणयन किया। इस संबंध में अनेक समीक्षकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि निश्चित रूप से
माखनलाल चतुर्वेदी ने ही छायावाद की रचना को आगे बढ़ाया है, किंतु माखनलाल चतुर्वेदी का उद्देश्य छायावाद में रचना करना नहीं था। वो किसी एक लीक में बनकर रहना नहीं चाहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था देश को आज़ादी दिलाना और उसके लिए स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था उसमें सक्रिय भूमिका निभाना। इसलिए इनकी जितनी भी रचनाएं अधिकतर रही वे सब राष्ट्रीय कविता से संबंधित रही। इसलिए छायावाद का प्रस्तोता होने के बाद भी ये छायावादी कवि नहीं रहे। राष्ट्रीयता के संबंध में अब तक अनेक विचार उद्भूत हुए हैं, इसमें विभिन्नताएं भी है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयता को लेकर वीर गाथा काल से लेकर आज तक जो भी रचनाएं देखने को मिलती हैं उनमें राष्ट्रीयता भिन्न भिन्न स्वरूपों में परिलक्षित होता है। वीर गाथा काल में राष्ट्रीयता की सीमा एक राज्य तक सीमित थी और वहाँ पर भी राज्य से बढ़कर राजा के प्रति उनका निष्ठाभाव था। रीतिकाल में भूषण ने राष्ट्रीय कविताएं लिखी, परंतु वहाँ पर भी राष्ट्रीयता उसी राज्य तक सीमित थी। हालांकि उनका काव्य सार्वभौमिक हो गया और सार्वकालिक भी है, इसलिए उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इसके बाद जब आधुनिक काल का आगमन होता है और भारत में पराधीनता आती है, अंग्रेजों का शासन होता है और उसके विरुद्ध जब भारतीय जनमानस में चेतना जागृत होती है, स्वतंत्र होने के लिए वे प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता का स्वरूप बदलने लगा। अब राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर, किसी राज्य विशेष के प्रति न होकर एक संपूर्ण देश के प्रति हुई। यह देश बाद में राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होता है, परंतु यहाँ पर जब प्रारंभिक रचनाएँ लिखी गई और उनको अध्ययन करने के बाद यह देखा गया कि उन रचनाओं में मातृभूमि के प्रति वंदना है, मातृभूमि की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, राष्ट्र को एक माता के रूप में देखा गया है, उसके भौगोलिक सीमाओं का वर्णन किया गया है और राष्ट्र में जो अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनका वर्णन किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में इनसे थोड़ी भिन्न बात देखने को मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो राष्ट्रीय काव्य है वह दो प्रकार का है, एक पराधीनता से पहले का और दूसरा पराधीनता के बाद। इस बात को हम दूसरे ढंग से इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस समय जो राष्ट्रीय काव्य लिखा गया वह एक विशिष्ट प्रकार का राष्ट्रीय काव्य था, क्योंकि उस समय यहाँ के कवियों के सम्मुख जो बात सबसे अधिक मान्यता रखती थी वह यह थी कि किसी भी तरह से इस देश को दासता की जंजीरों से मुक्त कराना चाहिए। इसलिए पराधीनता के दिनों में जो राष्ट्रीय काव्य लिखा गया उसमें सत्याग्रह, धरने, फांसी, हत्या और जेल, काला पानी, इन सब बातों का वर्णन देखने को मिलता है। और बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के पश्चात जो राष्ट्रीय काव्य लिखा गया उसका स्वरूप अलग प्रकार का है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था, विदेशी शासक यहाँ से जा चुका था, अब राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है और उसके लिए जो कल्पनाएँ की गई वह स्वतंत्रता के पश्चात की रचनाओं में अच्छी तरह से देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ एक बात और देखने में आई कि हमारे विशाल भारत राष्ट्र में जब जब भी संकट के बादल छाए तो हमारे यहाँ के कवियों ने जागरूक होकर उनका सामना अपनी राष्ट्रीय रचनाओं में किया। यह बात हमें जब चीन से युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय देखने को मिलता है। उस समय की रचनाओं में भारत और हमारे राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा का भाव हमारे यहाँ के कवियों ने प्रदर्शित किया वह उल्लेखनीय है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी और उनके समकालीन कवियों ने जो राष्ट्रीय रचनाएं लिखी थी उसमें एक अंतर था। अंतर का भाव यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुआ था कि हमारा देश पराधीन था। पराधीनता के इन क्षणों में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी,
इसलिए जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी तो हमें अपनी बात को कहने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना होता था। हमारे यहाँ के अच्छे और प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने प्रतीकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता के लिए अभिप्रेरित करने का कार्य किया। इसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में जो युद्ध गान लिखे हैं वे भी राष्ट्रीयता की सीमा में आते हैं, परंतु ये बात परोक्ष रूप से सामने आती है। इसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने भी बहुत सारे राष्ट्रीय गीत लिखे हैं और उन्होंने भारतीय जनमानस को अभिप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उसमें वे सफल भी हुए हैं। परंतु ये परोक्ष भाव अधिकांश कवियों में देखने को मिला है। निराला, महादेवी वर्मा, पंत, इनकी रचनाओं में भी यह बात मिलती है। वैसे राष्ट्रीय कवियों की यदि बात हम करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर इत्यादि का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी इन सब में सर्वोपरि हैं, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक इन्होंने राष्ट्रीय कविता को ही अपने रचनाधर्मिता का आधार बनाया और उसका निर्वाह वे अंत तक करते रहे। माखनलाल चतुर्वेदी की पराधीनताकालीन रचनाओं में तात्कालिक संदर्भों का वर्णन मिलता है, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात माखनलाल चतुर्वेदी ने जिन रचनाओं को लिखा है उन रचनाओं में स्पष्ट रूप से वैश्विक वातावरण का दर्शन होता है। वे विश्व कल्याण की बात करते हैं। पराधीनता के दिनों में उन्होंने भारत के कल्याण की बात कही थी, पराधीनता से मुक्ति के बाद उन्होंने विश्व कल्याण की बात कही है। यह उनके वैश्विक वातावरण, वैश्विक सोच और उनकी गुणवत्ता और उनकी प्रतिभा का स्पष्ट रूप से अभिव्यंकन है। इस प्रकार से देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो राष्ट्रीय काव्य है वह अपने आप में अप्रतिम है और निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है। राष्ट्रीयता के लिए उसमें जो तीन तत्व होते हैं वे भावनात्मक स्तर पर होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं और मनोवैज्ञानिक स्तर पर होते हैं। भावना, अध्यात्म और मनोविज्ञान ये तीन शक्तियां हैं और एक जनमानस इस शक्तियों से प्रभावित होता है। तो किसी भी तरह से चाहे उन सामान्य जन की भावनाओं को द्वेलित किया जाए, सामान्य जन को अध्यात्म की ओर प्रेरित किया जाए या मनोवैज्ञानिक ढंग से सामान्य जन को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया जाए, माखनलाल चतुर्वेदी ने जो अपनी राष्ट्रीयता का स्वरूप निर्धारित किया था उनमें आध्यात्मिकता, उसमें भावनात्मकता और मनोवैज्ञानिकता, इन तीन तत्वों का स्पष्टतः समावेश किया है। इसी के कारण उनका जो राष्ट्रीय काव्य है वह निराकार होते हुए भी अनुभूति हो गया है। और इस तरह से देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी ने जो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से राष्ट्रीयता के संबंध में कही है कि राष्ट्र का अस्तित्व जो होता है वह केवल भौगोलिक सीमा तक नहीं होता है, बल्कि उस भौगोलिक सीमा में रहने वाले जितने भी जनता है, नागरिक हैं, वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ उनके अंतर मन में उस भौगोलिक सीमा की जो संस्कृति है और उसकी जो सभ्यता है उसके प्रति जो सात्विक भाव है वही भाव राष्ट्रीयता होती है। अर्थात राष्ट्रीयता एक भावात्मकता है, राष्ट्रीयता निराकार है, उसे किसी सीमा में बांधना जरूरी नहीं है। यही बात है कि माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीयता अन्य व्यक्तियों की राष्ट्रीयता से भिन्न है और इनका जो राष्ट्रीयता के प्रति अवधारणा है वह अवधारणा वैश्विक धरातल की अवधारणा है, बौद्धिक धरातल की अवधारणा है और अनुकरणीय अवधारणा है। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि सत्य का स्वर जो होता है वह सभी के लिए एक जैसा होता है। जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं और राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हम सत्य के प्रति आग्रह करते हैं, राष्ट्रीयता की बात जब हम करते हैं तो न्याय के प्रति आग्रह करते हैं, राष्ट्रीयता की जब बात हम करते हैं तो हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अस्तित्व की रक्षा की बातें करते हैं। जब हम स्वतंत्र नहीं हैं तो स्वतंत्र होना चाहते हैं और जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो उस स्वतंत्रता को और उस राष्ट्र की एकता को अखंडित बनाना चाहते हैं। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो केवल भारत में ही नहीं
भारत से बाहर विश्व के किसी भी राष्ट्र में लागू होती है। और यही कारण है कि इन भावनाओं की अभिव्यंजना माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने काव्य में की है। इसके कारण उनका जो काव्य है वह भारत की सीमाओं से बाहर विश्व की दहलीज पर थपथपाहट दे रहा है और आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने राष्ट्रीय काव्य में कर्तव्य, बलिदान, समर्पण, त्याग, सेवा, परोपकार और सत्य और न्याय के प्रति आग्रह की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इसलिए उनकी रचनाएं बहुत ही सार्थक, अर्थपूर्ण और प्रभावी बन पड़ी हैं। इस कारण उनका जो साहित्य है, विशेषकर उनका जो राष्ट्रीय काव्य है, वह भूमि, जन और जन संस्कृति से भी आगे बढ़ा हुआ है। उसमें सामयिकता का स्वर देखने को मिलता है, किंतु उस सामयिकता के साथ साथ उसमें शाश्वतता भी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो काव्य है वह यदि प्रासंगिक है तो प्रासंगिक होने के कारण वह सामयिक है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां उस प्रकार की थी। यदि माखनलाल चतुर्वेदी जेल खाने में बंद है और वहाँ पर कैद हैं और वहाँ पर रात के सन्नाटे में कोई कोयल कुहकती है, तो कैदी और कोकिला में जो भाव अभिव्यक्त हुआ है वह इस बात को ध्वनित करता है कि निश्चित ही माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद हैं। पर यह जेल भारत की भी हो सकती है या विश्व में किसी भी राष्ट्र के अंदर किसी की भी जेल हो सकती है। कोयल केवल भारत की नहीं होती, कोयल विश्व के किसी भी देश में हो सकती है और बंदी भी किसी भी देश में हो सकता है। तो यह भावना जो कैदी और कोकिला में या पुष्प की अभिलाषा में अभिव्यक्त हुई है, यह केवल एक देश की भावना नहीं है, एक देश में रहने वाले व्यक्ति की भावना नहीं है, यह किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति की भावना हो सकती है। इस दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी की जो राष्ट्रीयता है वह राष्ट्रीयता अखंड है, एकता के सूत्र में बांधने वाली है और सोए हुए लोगों को जगाने वाली है, जागरूक करने वाली है और निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने वाली है, विश्व कल्याण की कामना करने वाली है। उसमें आध्यात्मिकता का पुट होने से वह जीवंत हो गई है, उसमें मनोवैज्ञानिकता होने के कारण वह अधिक प्रभावी हो गई है, क्योंकि लोगों के अंतर्मन की बात को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है यह बात वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। इस तरह देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो राष्ट्रीयता है वह अपने आप में बहुत ही अप्रतिम और आने वाले विश्व के लिए, विश्ववासियों के लिए एक प्रेरक उपादान है। माखनलाल चतुर्वेदी साम्राज्यवाद, अंग्रेजी अत्याचार और सामाजिक वर्गभेद के प्रबल विरोधी थे। उनमें इन तीनों शक्तियों के प्रति आक्रोश का भाव था और निरंतर उन्होंने अपनी रचनाओं में इनसे विरोध करने का संकल्प लिया था। जवानी नाम की उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ इसी संदर्भ में रखी जा रही है कि यह आक्रोश किस स्तर तक था। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है, रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इन पंक्तियों में आक्रोश की जो प्रबलता है, जवानी को जो ललकारा जा रहा है कि तू अत्याचारों को देखकर भी मौन क्यों बैठा है, तुझ में तो इतनी शक्ति है कि है युवक चाहे तो अपने दो हथेलियों में सारे पृथ्वी को मसल कर रख सकता है, क्या तेरे नसों में पानी बह रहा है, खून नहीं है जो तू इतना मौन बैठा है, उठ और अपने देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़। इस प्रकार की भावनाएँ माखनलाल चतुर्वेदी की अनेक रचनाओं में देखने को मिलती है। अगले कार्यक्रम में हम इसी तारतम्य में माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीयता की विशेषताओं को और उनसे संबंधित रचनाओं पर चर्चा करेंगे।